कुल्लू, कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें? जाओ नृत्य शुरू करो। अच्छा मौका है, अब नृत्य के बहाने वीर को ढूंढ लूंगी मैं। वीर छोड़ो मुझे, हमें उसे बचाना है। छोड़ो, हमें उसे बचाना है। वो कुएं के अंदर है, हमें उसे बचाना है। उमंग, कुएं में तो कोई नहीं, वो यही थी। मैं उसे यही छोड़ गया था मदद लाने के लिए। उमंग, हमें उसे बचाना होगा। उमंग, उमंग तुम मेरी मदद करो। चंद्रकांता, चंद्रकांता, चंद्रकांता। वीर चंद्रकांता को क्यों बुला रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? जानता हूं उस खंजर को पाने का वरदान मुझे नहीं मिला, पर वो खंजर इरावती के पास कैसे रहने दूं? क्या करूं? खंजर लेने जाऊं कि नहीं? नहीं ध्रुव, अभी तेरा एक ही लक्ष्य है, चंद्रकांता को बचाना। चारों तरफ देख लिया, वीर है कहां? देख के लगता नहीं वो यहां आया भी था, वो बाहर ही है कहीं, बाहर जाके ढूंढती हूँ। ए छोरी वाली लड़की, रुक जाओ। आज तुमने मुझे अपने नृत्य से बहुत खुश किया है। तुमने हमारा दिल मोह लिया, मन मोह लिया। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। आओ। बोलो। हनी तुम्हें इनाम देना चाहती, जा लेके आ। अरे जा ना। पैर मत छू, उठो। जब तक मुझे वीर नहीं मिल जाता, वीर को इरावती से मिलने से भी रोकना है मुझे।
आज हमारे गांव में बहुत बड़ा जश्न है, पूष का महीना है, तो क्यों ना आज हम विष्णु जी का महायज्ञ करें, जो संपन्न करेंगी हमारी महारानी इरावती जी। महारानी इरावती की जय। नहीं, मेरा मतलब है मुझे पहले त्रिनामी से मिलना है, मुझे स्वयं को उसके चंगुल से निकालना है, बचाना है उसे, और मुझे अपनी प्रजा को भी बचाना है। मेरा बेटा राक्षस बन गया है और मैं उसे खुलेआम नहीं छोड़ सकती, अपनी प्रजा को तबाह नहीं होते देख सकती, इसलिए पहले ये काम फिर महायज्ञ। चलिए त्रिनामी को ढूंढते हैं। इरावती, मुझे वक्त चाहिए था वीर को ढूंढने के लिए, इसीलिए तुझे इस महायज्ञ में फंसाया है। वीर, चंद्रकांता मर चुकी है। क्या बकवास है ये? मेरी चंद्रकांता इसके अंदर है। हाँ, अगर उसे आज नहीं बचाया ना तो आज मर जाएगी वो। तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, तो जाओ यहाँ से, मैं खुद चला जाऊंगा। वीर, चंद्रकांता कुएं में। तब से यही कह रहा हूँ उमंग, वो इस कुएं में है। हम वो तिलिस्मी खंजर कि अचानक से हमारे माँ के सैनिकों ने हमें यहाँ पे कैद कर दिया। बस वीर, बंद करो ये अपना नया नाटक, छल है ये तुम्हारा। कोई छल नहीं है ये उमंग, कोई छल नहीं है। चंद्रकांता इसमें कूदी थी, मैंने देखा है, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, वो पहाड़ियों पे लटक रही थी, चिल्ला चिल्ला कर तुमसे मदद की भीख मांग रही थी, और फिर तो तुम जानते हो तुमने क्या किया, वो भी उसके साथ। वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, जानते हो ना, तुमने उसको। सूर्या, तुमने वीर को पत्थर क्यों मारा? उमंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? उमंग, इससे पहले कि इरावती यहाँ पे आए और वीर को इस हालत में देख ले, हमें उसे उठा के यहाँ से ले जाना होगा, ठीक है? उमंग, जल्दी करो, इसे यहाँ से उठा के लेके चलते हैं। ठीक है, वहां ले चलो। इरावती की जय। महारानी 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 इरावती की जय। देखो, मुझे तुम दोनों की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं चला। हाँ, पर चंद्रकांता और वीर की कहानी में उमंग हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो क्या तुम? चंद्रकांता। हाँ उमंग, मैं तुम्हारी दोस्त चंद्रकांता वापस आ गई, पर वीर को कुछ भी याद नहीं। इसे तो यह भी याद नहीं कि इसने मुझे मारा था। वो जो पोखराज मैंने वीर के हाथों में बांधा है, ये इरावती ने इसके हाथ में बांधा था इसकी यादें भुलाने के लिए। इसलिए इसे मैं, मेरा प्यार, हमारी शादी, कुछ भी याद नहीं। पर अभी तो कह रहा था कि तुम जिंदा हो। हाँ, क्योंकि इसका पोखराज निकल गया था, इसे सब कुछ याद आ गया था, लेकिन सिर्फ वहीं तक, जब हम वो तिलस्वी खंजर लेकर इरावती का अंत करने निकले थे। इसके बाद क्या हुआ, इसने मुझे कैसे मारा, इसे कुछ भी याद नहीं। तुम सच में चंद्रकांता हो? हाँ, मैं सच में चंद्रकांता हूँ। मैं बच गई थी वो तिलस्वी खंजर हासिल करके विजयगढ़ की प्रजा को इरावती के चंगुल से बचाने के लिए। शायद इसीलिए विष्णु जी ने मुझे जिंदा रखा। और मैं तो तुम्हारे बिना मर ही गया था, और मैं अब बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। हाँ उमंग, पर अब हमें वीर को उस इरावती के चंगुल से बचाना है। ये तो चंद्रकांता की आवाज है। वीर मेरी जिंदगी है,
और मैं अपनी जिंदगी को मरने नहीं दूंगी। इरावती और वीर के बीच वीर की ढाल बन के खड़ी रहूंगी। तुम्हारे लिए आज भी वीर से बढ़ के कुछ नहीं। विष्णु जी का दंड मिलता है तो मिल जाए, पर मैं उस खंजर को एक ऐसी लड़की के लिए दांव पे नहीं लगाऊंगा जिसे प्यार ने इतना अंधा कर दिया है। त्रिनामी अब तक क्यों नहीं आया? संत त्रिनामी जी की जय! संत त्रिनामी जी की जय! संत त्रिनामी जी की जय! बेटे से मिलना है ना? उसी के लिए तो आई हूँ यहाँ। तुम देवी लक्ष्मी के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। इस वक्त मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, लक्ष्मीपति विष्णु के उस तिलस्मी खंजर की रक्षा करना। किसी भी हालत में वो खंजर उस दुष्ट रानी इरावती के पास नहीं रह सकता। विष्णु जी के उस वरदानी तिलस्मी खंजर को शैतानों से बचाने के लिए मैं विष्णुपति लक्ष्मी के विरुद्ध जा रहा हूँ। विश्वास है मुझे, लक्ष्मीपति मेरी रक्षा करेंगे। अगर नहीं की तो मेरी मौत। एक सही काम करने के बदले मिली मौत, सर आंखों पे। आज अगर मेरी मौत हो जाए तो वो तिलस्मी खंजर सिर्फ और सिर्फ चंद्रकांता को ही मिले और किसी को नहीं। नहीं, हाथ नहीं, हाथ लगाए तो वो यहां से गायब हो जाएगा। मां मुझे यहां से आजाद करो। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? एक कदम नहीं, आजाद होना है तो बताओ। अब गांव वालों पर वार करोगे? हाँ, करूंगा, सबको कच्चा तबा जाऊंगा। तो अब तो मंदिर ही रहो। एक बार मुझे मेरे स्वयं से बात करने दो। मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे मनाऊंगी। एक बार मुझे बात करने दो। नहीं, मैंने कहा ना मैं उससे बात करती हूं। स्वयं स्वयं बेटा, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात मान जा। देखिए तुझे आजाद कर देंगे, मान जा बेटा, मान जा। बताओ तुम्हारे अंदर का राक्षस मासूमों की बलि लेगा कि नहीं? मुझे माफ करना वीर, मुझे ये करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरा सच पता चले और तुम इरावती से जाके लड़ो और फिर इरावती को ये पता चल जाए कि मैं चंद्रकांता हूँ। चंद्रकांता, हमें जल्द से जल्द वीर को महल पहुंचाना होगा, पर किसी और भेस में। तुम यहीं रुको, मैं वीर को महल पहुंचाने के लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है?
अब मैं किसी पे वार नहीं करूंगा, किसी पे नहीं, पर पहले तुम मुझे यहाँ से आजाद करो। वचन दो। एक वचन तुमने भी लिया था, पहले तुम अपना वचन पूरा करो, फिर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। कुछ नहीं चंद्रकांता, तेज ने स्वयं को आजाद कर दिया होगा, उसी की रोशनी होगी। तेज? हाँ, तेज ने स्वयं को कैद कर लिया था और इरावती से वचन लिया था कि वो गांव वालों को कर मुक्त करे और सोने के 500 सिक्के दे, और उनका राक्षस बेटा वो गांव वालों को सताना बंद कर देगा, तभी तेज स्वयं को आजाद करेगा। पर मैंने तो सुना है कि इरावती का सौदा किसी त्रिनामी नाम के इंसान के साथ हुआ था, कि तेज बीच में कहां से आ गया? अरे तेजी तो बीच में है, ये तेजी त्रिनामी है। पर इरावती बहुत शातिर है, इरावती के सामने तेज थोड़ी देर भी टिक नहीं पाएगा, मारा जाएगा। तभी तो विष्णु जी ने तुम्हें भेजा है। मेरे खंजर के निशान में ये रोशनी, कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? विष्णु जी मुझे संकेत दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विष्णु जी मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं? चंद्रकांता, तुम वापस आ गई हो ना, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। विजयगढ़ की असली रानी, प्रजा की असली रक्षक और खंजर की असली उत्तराधिकारी वापस आ गई, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। सही कहा तुमने, मैं अपनी प्रजा और अपने गढ़ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन सबसे पहले हमें वीर को जल्द से जल्द महल पहुंचाना होगा। हाँ चंद्रकांता, तुम यहाँ वीर के पास रहो, मैं इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये कहां गायब हो गया? कहां चला गया? स्वयं, स्वयं ढूंढो मेरे बेटे को, सब लोग ढूंढो, बताओ कहां गया। स्वयं मेरे बेटे को ढूंढो, मेरे बेटे को अभी इसी वक्त ढूंढो। मेरा बेटा कहां है? महारानी जी, आपका बेटा यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है। राजकुमार गए तो कहां गए? ये खून, ये क्या हो रहा है? त्वचा फट रही है, घाव भी हो रहे हैं, खून भी बह रहा है, मुझे कुछ करना होगा। अह
अरे ये तो बेहोश हो गया। अब ये खंजर और मैं एक साथ एक ही दुनिया में। अब मैं जाऊं अगर किसी को खंजर निकालना हो तो मुझे भी निकालना होगा। तुमने मुझसे वचन दिया था कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस लाके दोगे, तुम उसे आजाद कर दोगे अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ और उसे पूरा करती हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, लेकर आओ उसे अभी इसी वक्त। आपका बेटा वापस करने के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था, लेकिन अब मैं खुद नहीं जानता कि वो कहाँ गया। तुमने मुझे पूरे गांव वालों के सामने वचन दिया था मुझे मेरा स्वयं वापस चाहिए। अगर नहीं आया ना, याद रखना मैं पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। नहीं, हाँ सबको मार दूंगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तो स्वयं और उसके पास कोई चमकता हुआ जेवर, पर ये है कहां? नहीं देख पा रहा हूं मैं आपके बेटे को। नहीं देख पा रहे तो आप ये भी नहीं देखोगे, अपने पूरे गांव को नहीं देखोगे। तुम सबको मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। नहीं, आपका यही गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वयं विष्णु जी भी जानते हैं कि आप उनके निर्दोष भक्तों को मार देना चाहती हैं, इसीलिए वो आपके बेटे को आप तक नहीं पहुंचने दे रहे। जी हाँ महारानी जी, उस नर्तकी ने भी यही कहा था, आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, उससे ही आपको आपका बेटा वापस मिलेगा। हाँ महारानी जी, विष्णु जी की तपस्या कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। नहीं, मैं तो विष्णु मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं सकती, अगर किया तो मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगी। क्या सोच रही है महारानी जी, विष्णु जी की पूजा कीजिए। ठीक है, पूजा करूंगी मैं, अगर यही तरीका है मेरे स्वयं को वापस लाने का तो मैं पूजा करूंगी। चलो मंग, जल्दी चलो। क्या हो गया? अपने आप को देखा है अब इरावती? तो क्या तुम खुद अपने आप को आईने में देखोगी ना तो पहचान नहीं पाओगी। यही तो मैं चाहती थी, इरावती की आंखों में धूल झोंक के इरावती की आंखों से अपना विजयगण निकाल लूं। इसलिए तो मैं सूर्या बन के आई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये छोटे छोटे खेल, छोटी छोटी हार जीत, बस अब और नहीं। अब इरावती की जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे आखिरी खेल खेलना है, उसे जड़ समेत उखाड़ फेंकना है, उसे खत्म कर देना। तो तुम्हारी योजना क्या है? अभी तो कोई योजना नहीं है, अभी बस इतना पता है कि हीरावती बहुत शक्तिशाली और उससे मैं अकेले नहीं हरा पाऊंगी। और तेज ने स्वयं को आजाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हीरावती ने जितने भी वादे किए हैं तेज को, वो कभी उसे पूरा नहीं करेगी। और स्वयं और हीरावती मिलकर पता नहीं कितनी तबाही मचाएंगे। हीरावती अपनी आन बान अपना एक छत्र राज्य कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती, अब वो जाएगी। स्वयं को तो उसने आजाद करवा लिया और वीर भी उसके पास जा रहा है, अब उन सब की ताकत दुगनी हो जाएगी। तो अब तुम क्या करोगी? वीर, एक वीर ही इरावती को चारों दिशाओं से चारों खाने चित करने का हथियार है, और वही एक वार है जिसका नाम है वीर। वीर इरावती की ताकत भी है और कमजोरी भी। एक वीर ही इरावती को मौत भी दे सकता है और मात भी दे सकता है। वीर के पास वो शक्तियां हैं जिसके बल पे एक वही इरावती का सामना कर सकता है, और सिर्फ एक वीर ही है जो इरावती के करीब है, जो इरावती को नस नस से जानता है, उसका डर, उसका दुख, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी सब जानता है। वीर ही वो वार है जो इरावती को काट सकता है। तो फिर तुमने वीर के हाथों में जादुई बंधन फिर से क्यों बांध दिया? अगर इसे पता होता कि ये तुम्हारा वीर है तो ये हमारा साथ देता ना। क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए वीर की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तुम जानते हो वो तिलस्मी खंजर कितना शक्तिशाली है, और इस वक्त वो इरावती के पास है। अगर इरावती को पता चल गया कि वीर को सब कुछ याद आ गया तो वो वीर को मार देगी। तो मुझे वीर की मदद लेने के लिए जो कुछ भी करना है सही वक्त आने पर ही करना है, क्योंकि मैं भी वीर के बिना अधूरी हूँ, उसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। इतनी सी बात ध्रुव नहीं समझता कि इरावती के खिलाफ केवल एक ही ब्रह्मास्त्र चलता है, और वो है वीर। चलो मंग, हमें महल पहुंचना है, जल्दी से चलो। हाँ हाँ चलो। Thank you.
आगे बढ़िए रानी जी। मैं विष्णु मंदिर के अंदर गई तो मेरी शक्तियां भस्म हो जाएंगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी। किसी हाथियों की तरह झूम झूम के नाच रही, कहना यही सही मौका है इसको यहाँ से उठा के ले जाने का। मामी, मामी, ये दावत तो कोई दावत नहीं उस दावत के सामने जो मैंने और इरावती ने उड़ाई है। कौन सी दावत? कहाँ? जादुई जंगल में इतने सारे पकवान है ना, वहाँ पे 56 तरह के भोग। अच्छा है नहीं? हाँ, अब जल्दी करो, कहाँ है इन लोगों के बीच नाच रही हो? पता चला वहां का सारा भोग खत्म और आपको खाली पेट लौटना पड़ेगा। चलो लेके जा रही हूँ, मुझे कहना। दो कदम करते करते यहाँ तक ले आई, अब नहीं जाऊंगी मैं आगे। चल चुपचाप, वरना ना चलता कर दूंगी तुझे। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये ऐसे नहीं मानेगी। हाथ बांधो इसके और घसीटते हुए लेते आओ मेरे साथ। ये क्या कर रही है ना? कहना मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं। कहना
छोड़ दे। आ, आ, लाओ इसे। मुझे विष्णु जी ने वरदान दे दिया है, अब मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। इस दुष्ट को विष्णु जी का वरदान कैसे मिल गया? छोड़ो, हटो, कहां गई ये, पकड़ो उसे। इसी दिशा में भागी होगी वो मामी, सबको मामी बना के। हे भगवान, ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे, मुझे क्यों मारना चाहते, मेरे पास तो कोई खजाना भी नहीं है। ढूंढो, यहीं कहीं छुपी है वो, ढूंढो, चलो। कहां गई होगी, नहीं ढूंढा ना तो रानी यहीं के यहीं काट देगी तुम्हें। वो यहां कहीं नहीं है। सुना, आवाज सुनी उसकी? नहीं नहीं, यहाँ कोई आवाज नहीं आई। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो ढूंढो। जी। इस दक्ष को मैंने पहले ही बोला था कि विजयगर मत चलो, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। पहले तो खुद मर गया, फिर अब मुझे भी मरवाएगा। कोई और होता तो मेरी बात सुन भी लेता, पर ये इरावती मुझे क्यों मारना चाहती है? क्या हो गया उसे? क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने आपको? महल की तरफ भागती हूं। हाँ, वही भागती हूं। शुक्र है महल आ गया, अब महल के सामने मुझे कोई नहीं मार सकता। एक बार जान बच जाए उसके बाद मैं विजयगढ़ छोड़ के चली जाऊंगी। इरावती मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। सबका मरने का वक्त तय होता है निशी भाभी। इरावती छोड़ दो मुझे। हर कोई किसी मकसद से आता है इस दुनिया में, आपका मकसद आपके सामने, अब आपका वक्त खत्म। अच्छा, तो ये भैंसी भागती हुई यहाँ पर आ गई, इसे ढूंढते ढूंढते मैंने पूरा जंगल छान मारा। जो काम दिया है वो करो, वरना मरो। इन दासियों का काम और वक्त दोनों खत्म। इरावती, मुझे छोड़ दो। देखो देखो, तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी, तुम मुझे जो लाने को कहोगी मैं लेके आऊंगी, तुम जो कहोगी वो दे दूंगी मैं तुम्हें। बोलो इरावती, छोड़ दो मुझे। आ, आ, मैं जो कहूंगी आप करोगी? करूंगी करूंगी। मैं जो मांगूंगी आप देंगी? हाँ हाँ दूंगी। तो लाइए अपनी आत्मा दीजिए मुझे। आपको मरना होगा निशी भाभी, तभी तो आपकी आत्मा मुझे मिलेगी। मुझे जाने दो हीरावती, मुझे जाने दो। अरे, अभी अभी तो आपने मुझे कहा कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दें, तो मुझे आपकी आत्मा चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि मेरे जिंदा रहने के लिए आपका मरना बहुत जरूरी है। आपको मरते हुए देख मुझे दुख हो रहा है, पर क्या करूं, मैं मर नहीं सकती, इसलिए आपको मरना होगा। तुम क्यों डर रही हो? क्या ना
तो शाही खून हो ही नहीं, पर बड़े काम की चीज हो तुम। घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मारूंगी तो निशी भाभी को। मुझे विष्णु का वरदान मिला है, बहुत जल्द मैं अजर अमर हो जाऊंगी, पर उसके लिए मुझे यह जानना है कि भद्रमा के सीने में कौन सा राज था, ऐसा कौन सा राज है, ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे नहीं बता पाई। कौन हो तुम दोनों? वो गांव वाले तालाब से गुजर रहे थे तो देखा सेनापति वीर बेहोश हो गए थे, तो हम इसे यहाँ महल पे ले आए। जाओ जल्दी से महारानी को सूचित करो। ये क्या कर रहे हो? सेनापति को बेड़ियों में क्यों बांध रहे हो? ये महारानी जी के बंदी हैं और कई बार यहाँ से भाग चुके हैं, इन्हें बांधना जरूरी है। चलो यहाँ से, नहीं तो कोई हमें पहचान लेगा। रुक जाओ, जो महारानी जी को नहीं मिले वो तुम दोनों को मिल गए, अपना तोहफा तो लेते जाओ। आओ हमारे साथ। ये वैद्य जी वीर के लिए आए हैं। चलो जल्दी मेरी मदद करो, राजकुमार ध्रुव बहुत घायल है। चलो। ध्रुव की हालत कैसे? क्या इसने खंजर लेने की कोशिश की थी? नहीं, इसको हुआ क्या है? उमंग, हाँ? बाहर देखो कि कोई आए ना। ध्रुव जादू से ही ठीक होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जादू कर रही हूं। ठीक है? ठीक है। उठा के बिठाओ। मोटी छिपकली कहीं की, कस के पकड़ो इन्हें। ये शरीर का नहीं आत्मा का खेल। जा इसके अंदर जा और सच सामने ला, इसकी यादों को निद्रा से जगा और मुझे सच बता।
इरावती? चंद्रकांता! रुक, रुक, तुम्हें आराम की जरूरत है। चंद्रकांता, मैं चंद्रकांता, वो तेरा स्नेह खंजर मुझे मिल गया था। चंद्रकांता, इन इन हाथों ने उसे पकड़ा था। कब, कहां, कैसे? इसका मतलब जब मैंने आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी और मेरे शरीर पे खंजर का निशान चमक उठा, उस वक्त खंजर आया था। क्या तुमने खंजर लेने की कोशिश की थी? हाँ, कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो चंद्रकांता, मुझे माफ कर दो। मैंने उस कुएं में तुम्हें कैद करके तुम्हें अपने साथ नहीं लेके गया, मैं ये जानने के बावजूद कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हासिल कर सकती हो उस तिलस्मी खंजर को। मुझे माफ कर दो चंद्रकांता, मुझे माफ कर दो। रुक, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, सब ठीक हो जाएगा। हम साथ में मिलकर वो तिलस्मी खंजर हासिल करेंगे। मैं फिर से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी वो तिलस्मी खंजर हासिल करने का। इससे मत डरो, ये उमंग है, मेरे बचपन का दोस्त। इसने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरा साथ दिया है और आज ही मेरा साथ देगा। प्रणाम। और वीर, वीर कहाँ है? वो भी महल में है। तुमने उसका पुखराज निकाला? हाँ भी और ना भी, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि वीर इरावती के वश में ही था और उसे कुछ भी याद नहीं था। ध्रुव, वो हमारे लक्ष्य में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, हमारी बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। ईरा से लड़ने के लिए हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ध्रुव, नहीं, हम हमारे लक्ष्य में उसे शामिल नहीं कर सकते। ध्रुव, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बताइए भद्रमा, जहरीली बेरों के धुएं से बेहोश होने से पहले आप मुझे क्या बताना चाहती थी, क्या राज जानती थी आप? बताइए भद्रमा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, बताइए भद्रमा। नहीं, लेकिन वो वीर नहीं हो सकता जिसे हम शामिल करेंगे। जब वो खंजर मेरे हाथ में था तो मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे छीनना चाहता है। इसीलिए मैं कह रही कि वो खंजर सिर्फ मैं ही ले सकती, विष्णु जी ने सिर्फ मुझे ही वरदान दिया वो खंजर लेने के लिए। हो न हो चंद्रकांता, उस वक्त जब मैं उस खंजर को पकड़ रहा था कुछ बहुत ही भयानक सा हुआ था, पता नहीं क्या। और विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ बहुत ही गलत करने जा रहा हूं। उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी मुझे। ठीक है, जो कुछ भी हुआ हुआ, लेकिन हम पहले ही बहुत सारी मुसीबतों में हैं। उस वीर को शामिल करके मैं अपनी मुसीबतों को बढ़ाना नहीं चाहता चंद्रकांता। ध्रुव, इरावती को कोई मात दे सकता है तो वो है केवल वीर। केवल वीर ही है, और ये तुम्हारा दिल कहता है, और तुम दोनों का दिल और इन दोनों दिलों का प्यार अगर धोखा दे दे तो, हमारे लक्ष्य के बीच में बाधा बन जाए तो फिर चुन लो इन दोनों के बीच, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्यारा है या फिर वीर। और अगर तुम वीर को चुनती हो तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अतीत से कुछ सीखो चंद्रकांता। चंद्रकांता, चंद्रकांता जिंदा है, सूर्य, चंद्रकांता है। हाँ इरावती, उस दिन सूर्या की मेहंदी वाले दिन मैं तुझे यही बताने तो आने वाली थी कि वो सूर्या वही चंद्रकांता है। चंद्रकांता जिंदा है, जिंदा है चंद्रकांता। चुन लिया मैं वीर, वीर के लिए मैं अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकती, तो मैंने वीर को छोड़ दिया। तो वचन दो। दिया वचन। मेरी जिंदगी में अगर मेरे लक्ष्य और वीर के बीच में चुनने का मौका है तो मैं अपने लक्ष्य को चुनूंगी। मेरे लक्ष्य पे मेरा हर प्यार कुर्बान। मैं कसम खाती हूं अपनी भक्ति और विष्णु जी की शक्ति, वो तिलस्मी खंजर हासिल करके रहेंगे।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.